गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्सेटिलिटी ऑफ कंप्यूटर, बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के फीचर्स, डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के डिफरेंट एप्लीकेशन। कंप्यूटर आर एवरीवेयर एट होम, वर्क एंड स्कूल। कंप्यूटर हर जगह है, घर पर, काम करने की जगह और स्कूल में। मोस्ट ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज एदर इन्वॉल्व द यूज ऑफ डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर। हमारी आजकल की जो रोजाना दिनचर्या होती है, उसमें कंप्यूटर का बहुत उपयोग हो चुका है। बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने में कंप्यूटर का बहुत ही उपयोग हो चुका है। एक्टिविटीज सच एज लर्निंग टू रीड, फाइंडिंग ए जॉब, लुकिंग अप ए प्रोडक्ट और प्लानिंग ए ट्रिप कुड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारी चीज़ें, जैसे किसी भी चीज़ को समझना, नौकरी की तलाश करना, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, किसी प्रोडक्ट को ढूंढना, कहीं बाहर जाने के लिए प्लानिंग करना, तो इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का एक महत्व, एक अपना उपयोग बहुत है। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फीचर में के बारे में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग फीचर मेक द कंप्यूटर वेरी यूजफुल टू अस। कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हमारे लिए उसको बहुत यूजफुल, उपयोगी बनाते हैं। स्पीड, उसकी स्पीड, एक कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, इट हैज़ ए वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट काम करता है, उसकी स्पीड जो है बहुत हाई होती है। द कैलकुलेशन डेट मेक आवर टू बी डन बाय कैन बी परफॉर्म बाय द वेरियस परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर इन फ्यू सेकंड ओनली। जो कैलकुलेशन हम घंटों में करते हैं, जिसमें बहुत समय लगता है, वो कैलकुलेशन कंप्यूटर कुछ सेकंडों में ही कर देता है। एक्यूरेसी, ए शुद्धता। ए कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन। कंप्यूटर एक एक्यूरेट मशीन है। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन करता है विदाउट एनी मिस्टेक के। हाउएवर, व्हेन इनकरेक्ट डाटा इज फीड इनटू द कंप्यूटर, वी कैन गेट एन इनकरेक्ट रिजल्ट। पर यदि हम उसमें डाटा ही गलत फीड करेंगे, अगर हम गलत डाटा लिखेंगे, तो उसका आंसर भी गलत ही आएगा। वर्सेटिलिटी, द मल्टी प्रोसेसिंग फीचर ऑफ ए कंप्यूटर अलाउ इट टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ऐसे जो इसका मल्टी प्रोसेस फीचर्स है, वो कंप्यूटर को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वेरियस टास्क को कंप्लीट करता है। स्टोरेज, ए कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इन इट्स स्टोरेज स्पेस। कंप्यूटर जो है एक बहुत सारा डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकता है, विच इज़ नोन एज मेमोरी। उसे मेमोरी कहते हैं। इट हैज़ ए हार्ड डिस्क डेट स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। उसमें एक हार्ड डिस्क होती है जो कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। डेलीजेंस, ए कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है ज़्यादा समय काम करने पर। इट कैन वर्क एज पर आवर रिक्वायरमेंट विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। वो हमारी इच्छा के अनुसार हमें क्या वर्क करवाना है, काम करवाना है, वो उतने ही स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करता है। रियल रिलायबिलिटी, द आउटपुट गिवन बाय ए कंप्यूटर इज रिलायबल सिंस इट ओनली गिव्स रिजल्ट इफ द इनपुट कंप्लीट एंड करेक्ट। जो कंप्यूटर का आउटपुट है, यदि हम उसमें कीबोर्ड से अगर हम उसमें कुछ गलत संख्या या गलत क्वेश्चन जो है अगर उसमें इनपुट करेंगे, तो उसका आंसर भी हमको गलत ही मिलेगा। तो हम अगर सही उसमें इनपुट करेंगे, तो हमें आउटपुट भी सही मिलेगा। एज वी कैन सी, कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल टू अस बट इट हैज़ सम ड्रॉबैक टू। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, पर इसमें कुछ हमें ध्यान भी रखना चाहिए। ए कंप्यूटर इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शन एंड एक्यूरेट इनपुट। कंप्यूटर को जो है हमें कम्प्लीटली ऐसा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए और ऐसा इनपुट करना चाहिए जो कि बिल्कुल सही हो। इन द एब्सेंस ऑफ दिस, अगर ये अगर ठीक से नहीं हुआ, तो इट एदर डज नॉट परफॉर्म ऑल एट ऑल अवर गिव इन एक्यूरेट आउटपुट। अगर हम ये सब चीज़ें अगर सही नहीं देंगे, तो उसका डाटा जो है वो हमें बिल्कुल ठीक नहीं मिलेगा, आंसर ठीक नहीं मिलेगा। फिर हम डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।